और अब उसे 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है, जिस कारण वो मिक्सर काफी ब्राइट एंड क्रीमी हो जाता है। हम में से काफी लोग कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर को तो जरूर यूज करते होंगे। अक्सर हम इसे ठंडे के मौसम में हाथों और पैरों के रूखेपन को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये क्रीम बनते कैसे है? अगर नहीं, देन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट स्टार्ट। एक क्रीम को बन के रेडी होने के लिए 4 स्टेप होते हैं, जिन्हें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एंड सो ऑन, आपको स्टेप 1 के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और स्टेप 1 है प्रिपेयरिंग दी ऑयल फेस फॉर क्रीम। अब इस स्टेप पे सबसे पहले स्टेरिक एसिड को लिया जाता है। ये एक तरह का वैक्स होता है जो खजूर के पेड़ से मिलता है। अब वो लोग उस वैक्स को अच्छे से गर्म करते हैं जब तक कि वो वैक्स अपने ऑयल फॉर्म में ना आ जाए। उसके बाद वो लोग रिफाइंड लैनोलिन को लेते हैं और उन सभी को एक कंटेनर में डाल के अच्छे से हीट करते हैं। अब जब तक इसका ऑयल फेस तैयार हो रहा रहता है, तब तक वो लोग इसके दूसरे फेज को रेडी कर लेते हैं। और तब आ जाता है हमारा स्टेप 2, जो है प्रिपेयरिंग दी वाटर फेस फॉर क्रीम। अब इस स्टेप पे वो लोग इसके वाटर फेस को रेडी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले वो लोग उसमें ग्लिसरीन को डालते हैं, जो हमें कॉर्न या भुट्टा से मिलता है। उसके बाद वो लोग उसे हीट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके ऊपर से उसमें प्यूरिफाइड वाटर को डाल देते हैं और उसे तब तक हीट करते हैं जब तक उन मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए। और इसी के साथ हमारे स्टेप 2 भी पूरा हो जाता है। और जस्ट आफ्टर स्टेप 2 आता है स्टेप 3, जो है प्रिपेयरिंग दी क्रीम। अब इस स्टेप पे सबसे पहले वो लोग उन ग्लिसरीन और प्यूरिफाइड वाटर के मिक्सचर में फ्लोरर फ्रेग्रेंस को डालते हैं, जिससे क्रीम के सभी दुर्गंध खत्म हो जाते हैं और उसमें काफी अच्छी खुशबू आ जाती है। नाउ अब वो लोग उन दोनों ही मिक्सचर्स, यानी कि ऑयल और वाटर दोनों ही मिक्सचर्स को एक कंटेनर में एक साथ मिक्स कर देते हैं और अब उसे 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है, जिस कारण वो मिक्सचर्स काफी ब्राइट एंड क्रीमी हो जाता है। अब ये क्रीम टोटली बन के रेडी हो जाता है और इसी के साथ हमारा स्टेप 3 भी कम्प्लीट हो जाता है। एंड जस्ट आफ्टर स्टेप 3 आ जाता है स्टेप 4, जो है लेबलिंग एंड पैकिंग इट। अब ये सबसे लास्ट स्टेप होता है एक क्रीम को बन के रेडी होने के लिए, जिसके लिए सबसे पहले कुछ वर्कर्स एक प्लास्टिक जार, जिसमें ये क्रीम भराएंगे, उसे एक कार्टून से निकाल के एक कन्वेयर बेल्ट में रख देते हैं। अब वो जार्स एक लेबलिंग मशीन से पार होते हैं, जिसमें वो मशीन उन प्लास्टिक जार्स में लेबल चिपका देता है। आफ्टर दैट कुछ वर्कर्स उन सभी जार्स को कन्वेयर बेल्ट से उठा के एक राउंड टेबल में रख देते हैं। ये राउंड टेबल ऑल टाइम गोल गोल चक्कर खाते रहता है। आफ्टर दैट वो सभी जार्स उस राउंड टेबल से एक कन्वेयर बेल्ट में आ जाते हैं, जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं। एंड द फाइनल प्रोसेस बिगिंस हियर। वो कन्वेयर बेल्ट एक बड़े से टैंक, जिसमें हमारा क्रीम भरा रहता है, उसके नीचे से आके पार होता है और सभी खाली जार्स जिसमें क्रीम भरने रहते हैं, उसमें वो टैंक की मदद से क्रीम भर जाते हैं, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब जैसे ही सभी जार्स में क्रीम भर जाते हैं, तब वो जार एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से टाइमिंग स्क्रू नाम के मशीन के नीचे आ जाता है और उन सभी जार में उनके कैप लगा दिए जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी जार्स को कैप के ऊपर में एक लेबलिंग मशीन की मदद से कंपनी का लेबल चिपका दिया जाता है और हमारा क्रीम ठंडे के मौसम में हमारे हाथों और पैरों के रूखेपन को खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि एक क्रीम कैसे बन के रेडी होता है। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।